आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कंप्लीट कॉलर कुर्ती को बनाना। और इससे पहले मैंने आपको इसकी कटिंग बहुत सरल तरीके से सिखाई थी, अगर आपने इसकी कटिंग को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसको सिलना भी मैं आपको बहुत सरल तरीके से सिखाने वाली हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप और एक सुंदर नेक डिजाइन के साथ। तो चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम नीचे की गले को तैयार कर लेंगे, उसके बाद शोल्डर की सिलाई को ज्वाइंट करेंगे। तो ये आगे के पार्ट को हमने उठा लिया है और इसको खोल कर रख दिया है। आगे के पार्ट को आपको फैला कर सीधा रखना है और उठाना है डोरी वाली पाइपिंग। और डोरी वाली पाइपिंग तो पहले मैंने आपको बनाना सिखाया है, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। डोरी पाइपिंग को आपको सीधे साइड से रखना है, ठीक है, जो उल्टी वाली साइड है वो नीचे की साइड रहेगी। इस तरह मिलाकर रखिए, यहाँ पर दो पॉइंट कपड़े को आपको यूज करना है नीचे के, और बस मिलाते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। इस तरह मिलाते हुए इसमें दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाएंगे, तो यहाँ पर कपड़ा दो पॉइंट ही यूज करेंगे। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद एक्स्ट्रा पाइपिंग को काट कर निकाल देना है। अब आपको यहाँ पर गुलाई में कट लगाना है, तो दो चार यहाँ पे कट लगा दीजिए। तो इस तरह आपको कट लगाना है और इस पाइपिंग को पकड़कर अंदर की साइड करना है, इस तरह अंदर की साइड करते हुए इसमें दो पॉइंट की दूरी से हम ऊपर से सिलाई डाल देंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह पकड़िए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको दो पॉइंट की दूरी से इसमें सिलाई घुमाना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट को उठाना है और इस पर उल्टा करके रखना है। इस तरह आपको बराबर शोल्डर से मिलाना है और आधा इंच की इसमें सिलाई डाल देना है। दोनों को मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालिए। तो इस तरह आपको शोल्डर में सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो इसको आपको सीधा रखना है और इस शोल्डर वाली सिलाई को पीछे की साइड अच्छे से दबा देना है। नाखून से इसको अच्छे से दबा दीजिए, जिससे सिलाई पीछे की साइड रहेगी। उसके बाद अब आपको बीच सेंटर से गले को पकड़ना है और कॉलर को मिलाकर चेक करना है। तो इस तरह आपको मिलाकर रखना है। कॉलर तैयार करने से पहले हमेशा आपको एक बार चेक करना है कि कहीं हमारा गला छोटा तो नहीं है। इस तरह उसको मिलाकर चेक करिए कि जिससे कॉलर और गला दोनों बराबर से रहे। अगर आपका गला छोटा होता है तो आप यहाँ से काटकर उसको कॉलर के बराबर कर सकते हैं, और अगर गला आपका बड़ा हो जाता है और कॉलर छोटी होती है तो आपको क्या करना है कि शोल्डर की सिलाई में थोड़ा थोड़ा कपड़े को पकड़ना है और सिलाई डाल देना है, जिससे गला और आपकी कॉलर दोनों बराबर से रहेंगी। अगर ये छोटी बड़ी हो जाएगी तो आपको कॉलर लगाने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हमेशा पहले इसको चेक करिए। इस तरह मिलाकर इसको चेक करना है, तो जैसे कि ये दोनों बिल्कुल बराबर से हैं, ठीक है, इसी तरह आपको मिलाकर चेक करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपका गला छोटा होता है तो आप यहाँ से गले की सेटिंग करके कॉलर के बराबर कर सकते हैं। अब हम लेंगे कपड़ा और उसमें बकरम को चिपका देंगे। अब ले लिए हमने कॉलर का कपड़ा, अब इसी में हम बकरम को चिपका देंगे। इस तरह मिलाकर रखना है और इस पे प्रेस करना है। तो प्रेस करने से पहले आपको ध्यान देना है कि रबड़ वाला प्रिंट जो होता है इसका, वो नीचे की साइड रहेगा। रबड़ प्रिंट को नीचे की साइड रखना है और ऊपर से प्रेस करना है। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पकड़ना है और बकरम के ऊपर झुकाना है, इस तरह।
इस तरह करते जाइए और इस पर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह आपको प्रेस से कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ से सिलाई यहाँ तक डालना है, ठीक है। अभी गुलाई में सिलाई हम नहीं डालेंगे, अभी आपको बकरम के नीचे नीचे सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करना है और गुलाई को छोड़ दिया है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पकड़ना है और इसके ऊपर दो पॉइंट की दूरी से एक सिलाई डालना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ड्राफ्टिंग से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। आपको तो बस मेरे पैटर्न को उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए सेम निशानों पर कटिंग करना है और आपका परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की वीडियो भी दी जाती है जिससे आपको बनाने में आसानी हो। अब आप अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ। और इस पर अभी आप सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है और आप इंडिया में कहीं पर भी रह के मेरे पैटर्न को ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। तो इधर हमने सिलाई डाल दी है, इस सिलाई को डालने के बाद इसके ऊपर सिलाई डाल दी है, ठीक है। ये आती है सामने की साइड। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कट लगाना है, गुलाई में कट लगाएंगे और थोड़े थोड़े से कपड़े की और सेटिंग कर देंगे। और इस सेटिंग को करने के बाद फिर यहाँ पे भी हम दो पॉइंट कपड़े को रखेंगे और एक्स्ट्रा दो पॉइंट कपड़े को काट कर निकाल देंगे। जितना हम सूट के कपड़े को यूज करते हैं बस उतना ही हमें मार्जिन दो पॉइंट का गले में रखना है, क्योंकि गले में हमेशा मार्जिन दो पॉइंट का ही यूज होता है। इस तरह आपको कट लगाते जाना है। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और बस कट लगा दीजिए। अब इसको हम पलट देंगे। तो इस तरह आपको इसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब आपको लेना है एक पेन और बकरम के बिल्कुल पास से निशान लगाना है। इस तरह आप इस तरह भी देख सकते हैं, जहां तक आपकी बकरम है बकरम के पास ही आपको पेन से निशान बनाना है। अच्छे से मिलाकर रखिए और इस निशान को नीचे तक ले जाइए। इस तरह यहाँ पे आपका कपड़ा बिल्कुल भी एक दूसरे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक पॉइंट भी नीचे का कपड़ा बढ़ जाएगा तो ऊपर से इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। अब इसी तरह निशान आपको इस साइड भी बनाना है। इस तरह हम चेक करेंगे बकरम के पास से और निशान बना देंगे। तो ये निशान आपका नीचे के कपड़े तक रहेगा। इस पर निशान है और इस पर भी हमने बना दिया है। अब इसको इस तरह फैला कर रखना है। इस तरह फैला कर रख दिया है। अब उठाएंगे सूट। अब इसको उठा लिया है और इसको पकड़ना है और इसी निशान से मिलाकर रखेंगे। इस तरह जहां पर ये पेन से निशान बनाया है आपको गले को बिल्कुल उसी के पास से रखना है। इस तरह मिलाते जाना है और यहाँ पे दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। या आप चाहें तो पहले पिन लगा कर रखिए जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। इस तरह मिलाते जाइए और पिन लगाते जाइए। इस तरह आप पिन को लगा कर रखेंगे तो आपको कॉलर लगाने में बहुत आसानी होगी। अब एक बार फिर आप ध्यान दीजिए कि जो बकरम वाली कॉलर है वो नीचे की साइड है अभी, और ये जो प्लेन कपड़ा है वो सूट के सामने के साइड है।
तो ये सिलाई हमारी सामने की साइड आएगी और फिर हम इसको बकरम से कवर कर देंगे इस तरह। तो बस इस तरह आपको मिलाकर पकड़ना है और इसमें दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बीच सेंटर में एक बार सिलाई को यहाँ पर रोक लेते हैं और दूसरी सिलाई यहाँ से लाते हैं तो आपकी कॉलर और फिनिशिंग से तैयार हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले सिलाई इस कॉर्नर से शुरू करना है, डालते हुए आकर आपको बीच सेंटर में एक बार रोक लेना है मशीन को। ठीक है, यहाँ पे हम बीच सेंटर में इसको रोक देंगे और फिर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे दूसरे कॉर्नर से और फिर सिलाई को लाते हुए बीच सेंटर में फिर रोक देंगे। इस तरह दो बार में सिलाई को कंप्लीट करेंगे जिससे कॉर्नर की साइड बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है, एक कॉर्नर से शुरू करना है सिलाई डालते हुए और बीच सेंटर में इसके रोकना है, फिर आपको दूसरे कॉर्नर से सिलाई को शुरू करना है और इधर ही आपको रोक देना है। इस तरह आपके कॉर्नर दोनों सही से आ जाएंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस कॉलर को इस तरह पकड़िए डबल फोल्ड में, इस तरह इसको पकड़ना है और अब इसकी गुलाई वाली सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको मिलाकर अच्छे से रखना है, इस तरह मिलाना है और इस सिलाई को गुलाई से घुमाते हुए यहाँ तक लाना है। ठीक है, जो हमने गुलाई में सिलाई छोड़ी थी इसके, अब उस सिलाई को पूरा करेंगे। इस तरह आपको इस कॉर्नर को बनाना है गुलाई से और फिर उसके बाद दूसरे कॉर्नर को तैयार करना है। इस तरह मिलाकर पकड़ेंगे और इसकी गुलाई से सिलाई यहाँ तक डाल देंगे। ठीक है, तो दोनों कॉर्नर को इस तरह तैयार करिए। तो इस तरह हमने इसकी गुलाई में सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको यहाँ पर भी दो तीन कट लगाना है, छोटे छोटे कट लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह कट लगाना है और इसको पलट देना है। कॉलर को पकड़ेंगे और अंदर की साइड इस तरह पलट देंगे। बस अच्छे से इसको दबाइए और सुई की नोक से इस कपड़े को अंदर की साइड कर दीजिए। तो ये जो सिलाई का कपड़ा बाहर की साइड को निकलता है उसको सुई की नोक से आप अंदर की साइड करिए इस तरह, और बस इस तरह किनारे से आपको सिलाई डालते जाना है, इस तरह पलटते जाना है और किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। मार्जिन के पूरे कपड़े को अंदर की साइड छिपाना है और इसी के किनारे से सिलाई डालना है इस तरह। इस कपड़े को अंदर की साइड किया और इसी के ऊपर आपको बकरम को रखना है इस तरह। ठीक है, और बस इसको यहाँ पर पलट देना है। तो इस तरह आपकी कॉलर कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि सिलाई आपकी किनारे से चलना चाहिए और ये जो मार्जिन का कपड़ा होता है वो अंदर की साइड होना चाहिए।
तो इस तरह आपको बकरम के ऊपर सिलाई डालना है, जिससे आपकी कॉलर बड़ी फिनिशिंग के साथ एक बार में ही बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि एक डोरी लेना है और उसका लूप्स बनाना है इस तरह। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम काट कर निकाल देंगे और एक साइड इसको ज्वाइंट करना है। सुई धागा से यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए और फिर एक साइड यहाँ पे बटन लगा दीजिए, जिससे इस तरह का ही बनकर तैयार हो जाएगा। एक साइड लूप्स रहेगा और एक साइड इसमें बटन रहेगा। अब गला बनकर ही कंप्लीट हो गया है। अब लगाएंगे हम इसमें आस्तीन। तो ये ले ली हमने आस्तीन। आस्तीन के आपको बीच सेंटर में निशान लगाना है, ये है इसका बीच का सेंटर। अब एक निशान लगाना है आपको आर्म होल के बीच सेंटर में, इधर निशान लगा लीजिए। अब इस निशान को इस निशान से मिलाकर रखिए, यहाँ पर इस तरह आपको मिलाना है। और एक गहराई वाली जो साइड रहेगी वो रहेगी आगे के पार्ट में। अब यहाँ पर एक पिन लगाना है, जिससे बीच का सेंटर इसका बिल्कुल फिक्स रहेगा। अब बस मिलाते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। और मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि ये तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा आर्म होल इस तरह। और मैं आपको पिन लगाकर दिखाती हूँ। और जब आप पीछे की साइड आएंगे और अगर आपका पीछे का पार्ट थोड़ा बढ़ जाता है तो उसे आप काट कर निकाल सकते हैं, क्योंकि पीछे की आर्म होल की कटिंग और आगे की आर्म होल की कटिंग अलग होती है। इसलिए आगे के पार्ट में गहराई होती है और पीछे के आर्म होल में कम गहराई होती है। ठीक है, मिलाते जाइए और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे की आस्तीन थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसकी आपको इस तरह सेटिंग करना है। इस तरह कपड़े को काट कर निकाल दीजिए। तो अब आपको आस्तीन पलट कर रखना है और जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही यूज करना है। इस तरह कपड़े को पलटना है डबल में, पहले एक बार फोल्ड किया और फिर इसको दोबारा पलट दिया और किनारे से एक सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको मोहरी में सिलाई डालना है। अब इसी तरह आस्तीन हमें दूसरी बनाना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमने दूसरी आस्तीन भी बना दी है। अब आपको क्या करना है कि इसको पलट कर उल्टा करना है और इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है। तो इस तरह आप पलट कर उल्टा रखिए, उसके बाद आस्तीन का जो निशान है उसको डार्क करिए। इस निशान को डार्क करना है इस तरह। अब इस निशान को इस आस्तीन पर पलटना है, इस आस्तीन को मिलाते हुए पकड़ना है और इस साइड पलट देना है। इस तरह पलट कर रखना है, जिससे ये निशान इस साइड भी आ गया है। अब इस निशान को मिला देंगे इस तरह। अब आपको क्या करना है कि इस फिटिंग वाले निशान को भी डार्क करना है इस तरह। तो इसको डार्क करने के बाद अब इसको पकड़िए और इस साइड पलटिए। कट से कट को मिलाना है, अच्छे से पकड़ते जाइए और निशान को दबाते जाइए। इस तरह आप कट से मिलाएंगे तो ये निशान बिल्कुल बराबर से ही आएगा। अब ये फिटिंग का निशान इस साइड भी आ गया है। अब इसको भी डार्क करना है और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। मिलाकर पकड़िए और इसकी सिलाई डालिए। इस तरह आपको इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है। फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद बस अब आपको इसके चाक बनाना है। तो जहां से मार्जिन का निशान लगा हुआ है
उधर से ही आपको चक के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे, पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड कर देंगे। इसी के सिलाई के बराबर से ही फोल्ड करना है बस। तो इस तरह इसको पकड़िए और इस तरह फोल्ड करिए। बस इस तरह आपको संभालते जाना है और इसके किनारे से सिलाई डालते जाना है। इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह आपको चाक बनाकर कंप्लीट करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी और कितनी सुंदर कॉलर कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।